हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप तिल और 1 कप गुड़। तो अभी हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हमने जो ये तिल रखा है इसे हम पोर कर देंगे। अभी हमें तिल को लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। तिल को हम लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। धीरे धीरे हमारा तिल जो है वो रोस्ट हो रहा है, हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ये देखिए तिल का कलर अब ये गोल्डन कलर में आ गया है, अच्छे से रोस्ट हो गया है हमारा तिल। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हीट से हटाकर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब सेम पैन में हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। तो घी ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 कप गुड़ ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें वाटर ऐड करेंगे और अब इसे लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। इसी तरह से हम लो फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। अब हम गुड़ को चेक करेंगे। तो गुड़ को चेक करते हैं पानी में डालकर। ये देखिए गुड़ हमारा अभी घुल नहीं रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर और कुक करेंगे। थोड़ी देर बाद हम फिर से गुड़ को डालकर चेक करेंगे। अब हमारा गुड़ तैयार हो गया है। ये देखिए इसमें 1 तार की चाशनी बन गई। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमने जो तिल रखा है उसमें अब ये गुड़ उसमें डालेंगे। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब गुड़ और तिल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमने पानी ले लेंगे और दोनों हाथों में ऐसे पानी लगाकर और थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। हमारे सारे लड्डू अब बनकर तैयार हैं। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।